Dear students, this is class 10th subject English. We are going to continue the yesterday's poem that is the Speak Up by phase Ahmad phase You will open your book at uh, page number 91 and 92, the last stanza. Now you know that the poet has used here metaphors like the simithi. Simithi here refers to the freedom struggle of India. This red on this also, uh, uh, this also the uh, metaphor. And fierce flames, the padlocks also, and fitter. These are metaphors. What these metaphors refer? simithi refers to the freedom struggle of India. And these own. Oven, oven is the heat generated by the voice of the by the deaths of the martyrs during that freedom struggle. Then there is flames. It is the voice of the protesters that begin everywhere. And uh, the padlocks and fitters; these are the symbols of slavery, because when the people are uh, when they are slaved, they are fitted, they are uh, tied with the uh, with the with the padlocks and fitters. Though they are not physically uh, tied in these uh, in these padlocks and fitters, but their mind is slaved, and they are waiting to be melting in the sympathy of freedom. आप जानते हैं कि जो भी समिति में चीज जा रहा है आहंगर की वो वहां खुल रहा है ठीक हो रहा है टू मेक द कॉमन पीपुल ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल तो ये लोगों को उभा रहा है उस पर स्पीक अप फॉर द टाइम इज रनिंग आउट स्पीक अप फॉर द टाइम इज रनिंग आउट बोल ये थोड़ा सा वक्त वक्त जा रहा है ये वक्त जा रहा है बिफोर बॉडी उट स्पीक अप बि इज ये यहां कहता है बोल ये थोड़ा सा वक्त बहुत है ये अगर चाहिए वक्त कम है लेकिन आपके लिए काफी है व्हाट इज़ व पैराडॉक्स पैराडॉक्स रेफर टू द स्टेटमेंट म्यूचुअली कंट्राडिक्टिंग यट विच मेक्स ए सेंस आफ्टर द डीप कंसिड्रेशन अगर हम इसको ठीक तरह से देखेंगे uh, तो इसमें एक माने निकलता है फोर यूर बॉडी एंड माइंड फेड अवे इससे पहले कि आपका जो जिसम है आपका जो जिसम है ये फेड हो जाएगा ये कमजोर हो जाएगा या ये मो, इसमें मौत आ जाएगी, फॉदर ट्रूथ इज नॉट येड अभी सच नहीं मरा है सच अभी जिंदा है बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिसमो जुबान की मौत से पहले जब आपका जिसम और आपकी जुबान बंद हो जाएगी कि बोल के सच जिंदा है अब तक टेल अभी अभी ये जो सच है अभी सच मौजूद है अभी सच के साथ देने वाले हैं स्पीक वट एवर यू हैव टू से बोलो जो कुछ बोलना है बोल जो कुछ कहना है कह ले बोल जो कुछ कहना है कह ले आपको जो कुछ कहना है कह लो आप अपने जुल्म के खिलाफ बोलो So this is the wise to voice less. So we we can say that this poem is encouraging the people to speak against the tyranny, against the oppression of the British rule. So we can say this is the revolutionary poem, revolutionary poem, or we can say this is the wise to voice less. It gives wise to the wise uh, to the wiseless people who were uh, uh, who were under oppression and who are not. डी टू स्पीक अगेंस्ट दैट ऑपरेशन सो ही गिव कॉरेज टू दो पीपुल नाउ वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज शायर इस नजम में अपने वतन लोगों को पकारते हुए कहता है कि अपने मुंह खोलो और बोल दें नहीं तो बहुत देर चुकी हुई होगी फिर uh, फिर आप कहेंगे कि वकत कि हमने क्या किया इसलिए आपको जो कुछ बोलना है बोल ले नाउ देयर आर सम ग्लोसरी समरी मीनिंग ऑफ द दर्ड सील बंद करना लॉकड क्लोज अपराइट स्ट्रेट ऑनेस्ट स्मिथी अ प्लेस द दिंग्स आर मेड आउट ऑफ मेटल स्पेशली आयरन आर स्टील बाई हीटिंग एंड हैमरिंग जो भी मैंने आपको बताया स्मिथी होती है ये आहंगर की बट्टी होती है उसमें लोहे की चीजें जो हैं इनको वहां पिघला दिया जाता है और नई चीजें बनाई जाती है पेडलॉक्स मेटल लॉक विद यू जो विदकड़िया होती है इनको पेडलॉक्स कहते हैं फिटर और यहाँ उस, उस उसके जो होते हैं जो जो उसके लॉक्स होते हैं इनको पेडलॉक्स कहा जाता है और फिटर मीन ए चैन और शेकल फॉर द फीट जो झंजीर डाली जाती हैं चाहे बाजू में या किसी के टांगू में तो ये उसको कहा जाता है फिट सिकर्टिंग मीन एवॉडेंस डॉजिंग सो डियर दिस टू डे वी कम्पलीट दिस पॉयम इनशा क्वेश्चन टुमारो बट विल रीड इट अगेन बिकॉज वी द रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस वेरी पॉयम थैंक्स